मुझसे गलती हो गई, मैंने इमरान खान की मुखालफत की जो सबके सब लोग मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं। शख्सियत और अपनी जात के बारे में कोई वजाहत देना नहीं चाहता। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई, शराबी, आइस काजी और तमाम तर इल्जाम का ताज पहनाया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर जिसकी उम्र 14 या 15 बरस है, जो ना गवाही देने के काबिल है, जिसकी ना बात पर यकीन किया जाना चाहिए, आपने तो जितनी मेरी किरदार खुशी करनी थी कर दी। मेरी मां को आप लोगों ने कब्र में जितना तड़पाना था तड़पा दिया। इस मुल्क के लिए मेरी तमाम खिदमात को आपने चूल्हे में डाल दिया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर जिसकी जिसका इंटरव्यू लेना ही चाहिए था, उसने तनसीब ने निकाह का दावा किया था, मैं अदालत में चलाया था। ये जो नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, ये जो नए नए साथी आ गए, इन्होंने आकर पूरे पाकिस्तान का बेड़ा हरक करके रख दिया। इंटरव्यू पे इंटरव्यू। रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वही बुरा साहब ने खुदकुशी कर लीजिए जब उनको नंबर टू कहा गया था। मैं नंबर वन नंबर टू तो हूं नहीं, मैं तो रमजान आपके लिए शुरू किया, मुझे क्या जरूरत थी। मैं अपने रोजे अपने माँ बाप के साथ रखते जब जिंदर थे, या फिर बुशरा बच्चों के साथ रखते जब तक वो लोग थे, या फिर तूबा के साथ रखते जब तक वो थी, जो रात रात में छोड़कर चली गई। सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूं, एक्सप्रेस ने लिखा मैं बदकिरदार हूं। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शेखुर रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी हाथ से जाने थी। मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं रो रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं इस साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा हूं। क्योंकि बेशक मुझे उसी पर भरोसा है जिसके बारे में कहा गया कि मैं अपने आप को खुदा समझता हूं, या मैं खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो फिर किसको मानता है? मैंने ये इल्जाम भी सह लिया। जिसी जबान पर वक्त हो सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अजीम सुभान रब्बिल आला, उसको कह जा रहे हैं कि जिसने 5 हज की हो उसको कहा जा रहे हैं खुदा को नहीं मानता। एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑडियो लगाई, मैंने ऑडियो अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझे ऑडियो भेजी तो मैंने लगाई, मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है, यार ये दिन देखने से मौज कराई, लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस मुल्क में FIA नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियो रिमूव नहीं करता, कोई इन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवाल करते आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी नहीं थी। ये कुछ सवाल है, ये कुछ सहाफत है। मैंने 54 बच्चों को कर दिया, मैंने 54 बच्चों को जो गुमशुदा थे, जो गुमशुदा से मेरे को भिजवाया, मैंने गीता को इंडिया भिजवाया, मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए, मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग बंद कराया, खुशखबरी सिला पाकिस्तान मुझे ये मिला। मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया। मैंने लोधरा की एक बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत नहीं दी थी। एंकर ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को, मैंने अपने बच्चों का हाथ उठाया कभी, मैंने सिवाय परेशानियों कुछ नहीं देखा। मैं सुपरस्टार रहा पाकिस्तान का, लेकिन 2 दिन तक उसके बाद फिर परेशान। आज तूबा कहती मैं खुदा चाहती हूं, तूबा को खुदा मैं नहीं दे सकता अपने तौर पर, वो चाहे तो ले ले जैसे भी, वो गैर शरीय होती है। बुशरा को मैंने तलाक नहीं दिए, नहीं दी मैंने तलाक। जब मैं इसको तलाक नहीं दे रहा तो बुशरा को कैसे दूंगा? नहीं दी मैंने तलाक बुशरा को। और मुझे फरज के बाबा भी किसी के पास नहीं जाना, मैं जानता हूं मुझे कोई मशवरा ना दे। मैंने जो असियत 20 साल गुजारे मैं जानता हूं, 20 साल 6 महीने बदल रखा, 6 महीने कमरा साफ, 6 महीने कहां से हो गए, 4 महीने तो शादी को हुए। ये मुझे कहती थी खाना तुम अपने हाथ को बनाओ, मैंने 8 दिन खाना इसके लिए बनाया। क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
मैं बोलूं तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं बात करूं तो ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये दखल करता है, नक्शे करता है, ये शाहरुख खान है, ये फला है। अरीब नहीं जा रहा तो क्या मैं बरदान है, कमजोरी है मुझमें, ये मेरी शराफत है कि मैं कमरे में रहते हुए अपने नफ्स अम्मारा पे काबू रखते हुए नफ्स लवामा को, आप लोग क्या जाने नफ्स अम्मारा लवामा क्या है। आमिर इलियास हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए, कहां किधर, मैंने अपने बच्चों को भी बताया, सोचे मैं अपने बच्चों को मुझे घर के काबिल लिया, आखिरी सलाम आप सबको।